नमस्कार, स्वागत है आप सभी सहभागियों का। गणित शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के चिंतन का गणितीकरण है। गणितीय व्यवहार कौशल का मूल भाव विचारों की स्पष्टता एवं संकल्पनाओं के साथ तार्किक परिणामों को प्राप्त करना है। गणित पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय होने के कारण उत्तम कोटि के गणित शिक्षण को प्राप्त करना प्रत्येक छात्र का अधिकार है। गणित शिक्षण की निम्न स्थितियां साधारणतया होती हैं, जहां विद्यार्थी गणित में आनंद प्राप्त करना सीखे, आवश्यक गणित को सीख पाए, गणित विद्यार्थियों के जीवन के अनुभवों पर आधारित हो, विद्यार्थी सार्थक समस्याओं को रखें एवं उनके समाधान को हासिल करें, विद्यार्थी संरचनाओं एवं अमूर्त संबंधों का उपयोग कर सकें, अंततः विद्यार्थी गणित के मूलभूत संरचनाओं के समझ को विकसित कर सकें। परंतु दूसरी तरफ विद्यालय में गणित शिक्षण की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें हमारे दायरे में आने वाले केंद्रीय तत्व ढूंढे जा सकते हैं, जो निम्न है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों में पाए जाने वाले गणित के प्रति असफलताओं एवं भय के भाव का उपस्थित होना, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो कम संख्या में पाए जाने वाले मेधावी विद्यार्थियों एवं अधिक संख्या में उपस्थित गैर भाग लेने वाले विद्यार्थियों का एक साथ कक्षा में होना, शिक्षकों में गणित के शिक्षण हेतु सहयोग एवं तैयारी का अभाव होना, इन समस्याओं के विश्लेषण हमें निम्न सुझावों पर ले जाते हैं। गणित शिक्षण के केंद्र बिंदु को, लघु लक्ष्यों को हासिल करते हुए उच्च लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में परिवर्तित करना, सभी विद्यार्थियों को सफलता के भाव के साथ संलग्न करना एवं साथ ही साथ भावी गणितज्ञों के साथ वैचारिक चुनौतीपूर्ण एवं कठिन समस्याओं को प्रस्तुत करना, गणितीय प्रक्रियाओं के ज्ञान की अपेक्षा, गणितीकरण के कौशल को परखने हेतु आकलनीय रूपों में परिवर्तन, विभिन्न गणितीय साधनों के द्वारा हमारे शिक्षकों की योग्यता को संवर्धित करना, गणित शिक्षण के लिए शिक्षकों को तैयार करने की दिशा में महती कार्य करने की आवश्यकता है। उत्कृष्ट गणित शिक्षण की दिशा में दो मूल आदर्श वाक्य हैं, तथा सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखना अनिवार्य है। अतः यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उच्च कोटि के गणित शिक्षण उपलब्ध कराया जाए। यह राष्ट्र निर्माण यज्ञ में हमारी एक आहुति होगी। इन स्थितियों में NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एवं स्वायत्त संस्थान है, ने एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया है जो गणित शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लगभग सारे आवश्यक घटकों का समाहार है। पाठ्यक्रम संख्या 504 जो प्राथमिक स्तर के गणित शिक्षण के अधिगम को समर्पित है, जो 63 घंटों के सैद्धांतिक अध्ययन, 27 घंटों के क्रियाकलाप एवं 30 घंटों के प्रयोगात्मक अध्ययन, कुल 120 घंटों की अध्ययन सामग्री से परिपूर्ण है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 ब्लॉक में बांटा गया है। ब्लॉक 1, विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का महत्व। ब्लॉक 2, गणितीय प्रत्ययों एवं विधियों का संवर्धन। ब्लॉक 3, गणित में अधिगमकर्ता का आकलन। ब्लॉक 1, जिसका शीर्षक विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर गणित सीखों का महत्व है, जो पाठ्यवस्तु को 4 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई 1 का नाम बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चे वास्तविक रूप से गणित कैसे सीखते हैं और समझने में सक्षम बनाएंगे। आप सीखेंगे बच्चा किस प्रकार सोचता है एवं बच्चे के ज्ञानात्मक विकास के स्तर क्या है। इकाई 2 का नाम गणित एवं गणितीय शिक्षा का महत्व, क्षेत्र एवं सार्थकता है। यह इकाई आपको अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई गणित शिक्षा पर आधारित गणित की प्रवृत्ति को समझने में सक्षम बनाएगी। गणित जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार मदद करता है एवं किस प्रकार समस्या समाधान संबंधी दृष्टिकोण का विकास होता है, इन संदर्भों में गणित शिक्षण का रेखांकन है। इकाई 3 का नाम गणित शिक्षा के उद्देश्य एवं परिपेक्ष है। इस इकाई के अंतर्गत गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू, कक्षा के बाहर गणित शिक्षण
एवं गणित शिक्षण को आनंददायी बनाने से भी परिचित हो सकेंगे, ताकि विद्यार्थियों में गणित संबंधी व्याप्त भय को आसानी से दूर किया जा सके। इकाई चार का नाम अधिगम कर्ता एवं अधिगम केंद्रित विधियां हैं। गणित शिक्षण एवं अधिगम में सूत्रों को याद करना एवं रटना, गणित संबंधी अवधारणाओं को समझना, कठिन बनाने के साथ विद्यार्थियों में गणित संबंधित भय को बढ़ावा देता है, जो छात्रों में भविष्य में गणित संबंधी अन्य अवधारणाओं के सीखने में बाधक होता है। अतः गणित शिक्षण में विद्यार्थी केंद्रित उपागमों जैसी गतिविधि आधारित शिक्षण इत्यादि के प्रयोग तथा आगमन व निगमन विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, परियोजना एवं समस्या समाधान विधि इत्यादि को समझने में सक्षम बनाएगी। ब्लॉक दो का नाम गणितीय प्रत्ययों एवं विधियों का संवर्धन है, जिसके अंतर्गत 5 इकाइयां हैं। इकाई 5, 6, 7, 8 एवं 9। इकाई 5 है संख्याएं एवं संख्याओं पर संक्रियाएं। इकाई 6 है आकृतियां एवं स्थानिक संबंध। ये इकाई आपको आधारभूत ज्यामितीय आकृतियों को समझने में सक्षम बना सकेंगे। इकाई 7 है माप एवं मापन, जिसमें आप विभिन्न इकाइयों जैसे दूरी, क्षेत्रफल, आयतन एवं समय इत्यादि मापों के मानक इकाइयों द्वारा मापन को समझने में सक्षम बनाएंगे। इकाई 8 आंकड़ों का प्रबंधन, इस इकाई में आंकड़ों से संबंधित गतिविधियों एवं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की सहायता से आंकड़ों के विश्लेषण की साक्षा समझ विकसित हो सकेगी। इकाई 9 है सामान्यकृत अंकगणित के रूप में बीजगणित। ब्लॉक 3 का नाम है गणित में अधिगमकर्ता का आकलन। यह 3 इकाइयों में बटा है, इकाई 10, 11 एवं 12। इकाई 10 है गणित अधिगम के आकलन के उपागम। इस इकाई में आप आकलन की प्रवृत्ति विभिन्न आयामों एवं गुणों को समझने में सहायता करेगी। आकलन के लिए नए तरीके जैसे स्व आकलन, समन्वय आकलन, दत्त कार्य पर आधारित आकलन तथा सतत एवं व्यापक आकलन से भलीभांति परिचित हो सकेंगे। इकाई 11 है आकलन के साधन एवं प्रविधियां, जहां आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझने, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों जैसे उद्देश्य आधारित परीक्षण, मुक्त, पथ इत्यादि को समझ सकेंगे। इकाई 12 है गणित अधिगम के आकलन हेतु फॉलोअप, जहां आप गणित सीखने के विभिन्न मुद्दों जैसे विद्यार्थी के कमजोर एवं मजबूत पक्ष की पहचान, गणित सीखो संबंधी समस्याएं एवं उनके प्रकार तथा उपचार इत्यादि की समझ विकसित करने में यह इकाई आपकी सहायता करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस उपक्रम 504 में आए सभी प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, जिसके द्वारा यह राष्ट्र उन्नत के शिखर पर प्रतिष्ठित हो। जय हिंद।